आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने योगी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। आप नेता संजय सिंह ने जातिगत सर्वे कराने पर किए गए एफआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण दलितों की हत्या अपराध नहीं है, लेकिन योगी सरकार जातिवाद है या नहीं इसका सर्वे कराना अपराध है। जैन साथियों, उत्तर प्रदेश में एक और एफआईआर योगी सरकार ने मुझ पे करा दी है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या करना अपराध नहीं है, दलितों की हत्या करना अपराध नहीं है, लेकिन योगी सरकार जातिवादी है या नहीं ये राय जानना अपराध है उत्तर प्रदेश में। मैंने एक सर्वे कराया सरकार को लेकर कि यह सरकार जातिवादी है या नहीं है। अगर आप मानते हैं कि जातिवादी है तो एक दबाइए, अगर मानते हैं कि जातिवादी नहीं है तो दो दबाइए। और जनता की राय जानने से पहले, सर्वे का रिजल्ट आने से पहले सरकार ने मेरे खिलाफ एक और मुकदमा कर दिया। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में दलितों के, ब्राह्मणों के, पिछड़ों के, शोषितों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है। ये अकेले मैं नहीं, आपके खुद के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ठाकुरवादी सरकार है। आपके खुद के विधायक देवमणि द्विवेदी जी ने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार और अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और अगर जनता से इस बारे में राय ली जा रही है तो आप मुकदमे क्यों लिखा रहे हो और डर क्यों रहे हो? अगर जातिवादी नहीं है योगी सरकार तो उसको बड़े पैमाने पर यह सर्वे होने देना चाहिए। तो इसलिए जनता के टैक्स के पैसे को जांच में बर्बाद मत कीजिए योगी जी। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी पूछताछ इस मामले में करनी हो, जो भी जानकारी इस मामले में हासिल करनी हो, मुझसे हासिल कीजिए। मैं आपके एक एक सवालों का जवाब दूंगा और ये सर्वे पूरी तरह से सही और सच है। ये सुनिए मैंने कौन सा अपराध किया है। हम उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति पर एक सर्वे कर रहे हैं। सर्वे में दिया गया आपका जवाब गोपनीय रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई लोग अब कहने लगे हैं कि जैसे अखिलेश यादव ने केवल यादव समाज के लिए काम किया, मायावती ने केवल जाटव समाज के लिए काम किया, वैसे ही योगी जी केवल और केवल ठाकुर समाज के लिए काम कर रही हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो एक दबाएं, अगर आप सहमत नहीं हैं तो दो दबाएं। अब आपने सुन लिया, सहमत है तो एक दबाएं, सहमत नहीं है तो दो दबाएं। और सर्वे का रिजल्ट आने से पहले योगी सरकार बौखला गई, यानी वो मानती है कि मेरा आरोप सही है, यानी वो मानती है कि जातिवाद के आरोप का ये जो सर्वे मैं करा रहा हूं ये सर्वे सच, सही और जनता के बीच में स्वीकार पाया जाएगा। इसलिए आपने एक और मुकदमा किया है योगी जी, आपको और बहुत बधाई और धन्यवाद। मुकदमे आप कराते रहिए और मैं अपना काम करता रहूंगा। न्यूज डेस्क।